टेस्ट टीम में सूर्य कुमार यादव की एंट्री पर भड़के फैंस, बोले यह शर्म की बात है। आखिर फैंस क्यों नाराज है सूर्या के सिलेक्शन पर? दोस्तों हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। गुड न्यूज यह है कि इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव को जगह दी गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि फैंस इस सिलेक्शन से खुश नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। भारतीय टीम अभी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, लेकिन शुक्रवार को बीसीसीआई द्वारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया है। अभी दो टेस्ट मैच के लिए टीम घोषित की गई है, जिसमें सूर्य कुमार यादव को जगह मिली है। हालांकि फैंस इस सिलेक्शन से खुश नहीं है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अभी टी20 फॉर्मेट में रन बरसा रहे हैं, लेकिन लंबे फॉर्मेट में उन्हें खुद को साबित करना होगा। फैंस का गुस्सा इस बात को लेकर है कि मुंबई के ही सरफराज खान को टीम इंडिया का बुलावा नहीं आया है, जो लगातार घरेलू क्रिकेट में बड़ी और लंबी पारियां खेल रहे हैं। मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में ही सरफराज खान मुंबई के लिए 431 रन बना चुके हैं, इनमें दो शतक और एक हाफ सेंचुरी शामिल है। अगर पिछले सीजन की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 6 मैच में 982 रन बना दिए थे। इस दौरान उनका औसत 122 का रहा था। इसी को लेकर फैंस का